धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर कि इस समय आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना प्रभु। धन्यवाद देता हूँ प्रभु। आगे का समय जो भी वचन है परमेश्वर, हम वचन सुनने वाले नहीं परमेश्वर, बल्कि वचनों पर चलने वाले बने परमेश्वर। ऐसे में प्रार्थना आपसे करता हूँ परमेश्वर, हमारे माइंड में इधर उधर की बातें नहीं, बल्कि आपके वचन हो, आपकी सामर्थ की बातें हो, आपके राज्य को किस तरह बढ़ाना है उस बारे में प्लानिंग हो परमेश्वर। हमारा हृदय हर समय आपको धन्यवाद करता रहे, ऐसी मैं प्रार्थना आपसे करता हूँ। दे परमेश्वर इन सभी मिराकल को यीशु नासिर के नाम से, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। सबका एक अलग ही अनुभव होता है जब हम परमेश्वर के साथ बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं। एक अलग ही पवित्रता हमें दिखाई देती है, महसूस होता है, ऐसा लगता है कि कोई तो है हमारे साथ और प्रार्थनाओं को सुन रहा है, हमारे पास बैठा है, हमें देख रहा है। आमीन। वो है यीशु। पवित्र आत्मा से आप हर रोज सुबह उठकर उससे सहायता मांगे, प्रभु से प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको बहुताई से आगे बढ़ाएगा उसके राज्य में, आपके हर एक प्लानिंग को पूरा करेगा, क्योंकि वो सुनने वाला है और ब्लेस करने वाला परमेश्वर, और राजाओं का राजा है। वो किसी हाथों से बनाए हुआ परमेश्वर नहीं है, वो जिंदा खुदा है। मौत भी उसके ऊपर विजय नहीं पा सकी, उसने मौत को तक हरा दिया है, ऐसा परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। मुझे बहुत खुशी है कि आप सभी लोग इस समय परमेश्वर की आराधना में हो, हमसे जुड़े हो। आप सभी को फिर एक बार तहे दिल से धन्यवाद कहता हूँ कि आपने आपका समय निकालकर इस प्रार्थना में सहभाग्य लिया, आपने इस समय परमेश्वर को दिया है, धन्यवाद देता हूँ। ऐसा प्रार्थना करके हर रोज जो लोग नहीं देते हैं उनको भी परमेश्वर प्रार्थना का समय दे। आमीन। हालेलुया। चलिए हम अभी वचनों में जाएंगे, उसकी बातों को सुनेंगे, परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है आज। जिस तरह अभी हमने प्रार्थना किया है, मैं तो आज कुछ और ही बताने वाला था, लेकिन जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे ऐसा महसूस किया, महसूस दिलाया कि मैं प्रार्थना के विषय में आपसे बात करूं। हम जो ये प्रार्थना कर रहे हैं, क्या है प्रार्थना? क्या हमें प्रार्थना करना हर रोज जरूरी है, या फिर सिर्फ बाइबल पढ़ के ही, चाहे एक अध्याय हो, दो अध्याय हो, दस अध्याय हो, चाहे जितना भी आप पढ़ते हो, सिर्फ बाइबल पढ़ के ही हमारे जीवन को सुधारना जरूरी है, या फिर सिर्फ बाइबल पढ़ के ही हमारा जीवन सुधर सकता है, हम परमेश्वर में आगे बढ़ सकते हैं? हाँ, ये बात सही है कि हमें बाइबल पढ़ना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें हर दिन परमेश्वर से प्रार्थना भी करना चाहिए। प्रार्थना में सामर्थ्य है, प्रार्थना में ताकत है। प्रार्थना वो है जो नामुमकिन को मुमकिन कर देती है, क्योंकि अगर हम बाइबल में देखा जाए तो बहुत जगह प्रार्थना द्वारा ही लोगों ने शिफा पाई, चंगाई पाई, क्योंकि यीशु ने उनके लिए प्रार्थना की। जो कुछ भी चंगाई हुई है बाइबल में, वो सब प्रार्थना द्वारा है और प्रार्थना द्वारा ही हुई है। प्रार्थना से ही शैतान को बाहर निकाला गया लोगों के शरीर से, सुअरों में भेजा गया, प्रार्थना ही से था, शब्द से था, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं वो शब्द से करते हैं, अपने मुख को खोलते हैं और परमेश्वर से दुआ करते हैं कि परमेश्वर मेरी हर एक प्रॉब्लम को दूर कर,
और प्रभु हमारी दुआ सुनते हैं और हर प्रॉब्लम को दूर करते हैं। आमीन, हालेलुया। चलिए हम जाएंगे वचनों में। सबसे पहले मैं आपको मेरा परिचय दे दूं। मेरा नाम तुषार है और मैं मुंबई का हूँ, बट परमेश्वर ने मुझे हैदराबाद दिखाया और मैं हैदराबाद में परमेश्वर की सेवकाई कर रहा हूँ। अगर आप हैदराबाद से हैं तो हमारे चर्च आ सकते हैं, कभी भी आपको वेलकम है। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं दे दूंगा, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। जब मुझे समय मिलता है तब मैं व्हाट्सएप के मैसेज देखता हूँ और उसका रिप्लाई देता हूँ। और आप हमारे चर्च आ सकते हो, हमसे जुड़ सकते हो। हमारा चर्च हिंदी में होता है, तेलुगु नहीं है। अगर कोई तेलुगु भाई बहन है उनसे भी मुलाकात करिए, या फिर कोई नेपाली भाई बहन है उनसे भी मुलाकात कराइए, नंबर दीजिए। क्योंकि कुछ लोगों को मैं ऐसे जानता हूँ, कुछ सेवक है जिनको मैं जानता हूँ जो नेपाली चर्च चलाते, उड़ीसा चर्च चलाते, तेलुगु चर्च चलाते हैदराबाद में। आमीन, हालेलुया। हैदराबाद में ज़्यादातर तेलुगु बोली जाती है, बहुत कम चर्चेस हमें देखने मिलते हैं जो अलग भाषाओं के होते हैं। तो परमेश्वर से मेरी ये विनती है कि जो भी लोग प्रभु आपके पास आना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, उन्हें हमसे जुड़ाइए। आमीन, हालेलुया। चलिए हम जाएंगे वचनों में। निकालिए मेरे साथ लुका की पुस्तक अध्याय 11 वचन 1-4 तक हम पढ़ेंगे। लुका की पुस्तक अध्याय 11 वचन 1-4 सॉरी। अगर आपके पास अभी बाइबल नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैं वचन पढ़ता हूँ, आप सुनिए। पर घर जाके इस बार घर पे बैठकर एक बार तो इस वचन को पढ़ लेना बाइबल। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लुका की पुस्तक अध्याय 11 वचन 1-4 मैं पढ़ता हूँ। लुका अध्याय 11 वचन 1, वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। वह प्रार्थना कर चुका, देखिए यीशु मसीह किसी जगह प्रार्थना कर रहे थे। यहां कोई मनुष्य प्रार्थना नहीं कर रहा था, स्वयं वो खुदा प्रार्थना कर रहा था। जब वो प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसा यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया है वैसे ही हमें भी तू सिखा। और आगे पढ़ोगे तो आप वहां पर परमेश्वर ने उन्हें बोला है, कैसे प्रार्थना के बारे में सिखाया है कि कैसे प्रार्थना की जाती है। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको कुछ बातें मेरी कड़वी भी लगी तो मुझे समा लीजिएगा, लेकिन जो भी मैं कहूँगा वो सच कहूँगा और जो बाइबल के अंदर है वही कहूँगा, उससे बाहर नहीं जाऊँगा। यीशु मसीह को गरज क्या थी प्रार्थना करने की, क्या जरूरत थी उसे प्रार्थना करने की, क्या आप मुझे बता सकते हो? यीशु मसीह को कोई जरूरत नहीं थी प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि वो खुद खुदा है, खुदा का भेजा हुआ है। लेकिन वो हमें सिखाना चाहता था कि प्रार्थना करना कितना जरूरी है। यीशु मसीह का जीवन यूं ही सामर्थ्य से नहीं भरा था। यीशु मसीह के पास कोई ऐसी कोई बात नहीं थी कि जो जिसे वो संभव नहीं कर पाता, सब कुछ असंभव नहीं कर पाता, सब कुछ संभव करता था। किसी के ऊपर प्रार्थना, किसी के ऊपर हाथ रखना, अंधे को दिखाना, गूंगों को बोलाना, लंगड़ों को चलाना, लाजरस को जिलाना यानी कि मुर्दों को जिलाना, दुष्ट आत्माओं को भगाना, ये सब कहाँ से कैसे कर पाता था यीशु मसीह? प्रार्थना के द्वारा। वो हमें सिखाना चाहते थे कि प्रार्थना करना हमारे लिए कितना जरूरी है।
और कई बार बाइबल में लिखा है कि सुबह तक रात तक यीशु मसीह ने प्रार्थनाएं की है। यहां पर भी यूहन्ना और जो उसके यीशु मसीह के चेले थे वो किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वो प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों ने, यानी कि वो कहीं पर किसी जगह पर प्रार्थना कर रहा था, उसके चेलों ने देखा कि ये प्रार्थना कर रहा है, तो उसके चेलों ने कहा प्रभु हमें भी प्रार्थना करना सिखाओ, और यीशु मसीह ने उन्हें सिखाया। अगर आपको प्रार्थना करना नहीं आती है तो आप आपके कलीसिया से मदद ले सकते हैं, आपके चर्च से मदद ले सकते हैं, आपके पास्टर का मदद ले सकते हैं, या फिर कोई चर्च में बहन है या भाई है, बहन बहन से, भाई बहन से, भाई भाई से मदद ले सकते हैं। आपको प्रार्थना करना नहीं आता तो जिनको प्रार्थना करना आता है चर्च में उनको कहो कि मुझे प्रार्थना करना सिखाओ, उनके साथ बैठो, संगति करो, आप भी प्रार्थना करना सीख जाओगे और यीशु मसीह आपको सिखाएगा। आमीन। और एक बात, प्रार्थना में सामर्थ है। परमेश्वर का जीवन यूं ही सामर्थ से नहीं भरा था, क्योंकि वो परमेश्वर से कनेक्ट था, यहोवा से कनेक्ट था यीशु मसीह। यीशु मसीह का जीवन कनेक्ट था परमेश्वर से, वो प्रार्थना करता था तब जाके अद्भुत कार्य चिन्ह चमत्कार कर पाता था। अगर आप भी आपके जीवनों में चिन्ह चमत्कार मिराकल करना चाहते हो तो आपको भी प्रार्थना करना जरूरी है, प्रार्थना से भरा रहना जरूरी है, सामर्थ्य से भरा रहना जरूरी है, रोज एक दो घंटा परमेश्वर के साथ बिताना जरूरी है। मूसा के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, जब परमेश्वर ने उसे सिनाई पर्वत पर बुलाया तब मूसा के पास कोई सामर्थ्य नहीं थी, कुछ नहीं था, वो यूं ही गया 40 दिन, बाइबल कहती है 40 रात, फिर एक बार 40 दिन और 40 रात मूसा ने परमेश्वर के साथ बिताया। और सामर्थ उसका कब दिखा पता है? मूसा सामर्थ से भर गया कब भरा? जब वो पहाड़ से नीचे उतर रहा था ना, उसके चेहरे से रोशनी चमक रही थी, एक ऐसी रोशनी जो लोगों की नजरों में चुभ रही थी, लोग देख नहीं पा रहे थे, ऐसा कर रहे थे क्योंकि मूसा सामर्थ्य से भरा हुआ था, परमेश्वर के प्रकाश से भर गया था, परमेश्वर की महिमा से भर गया था। आप प्रकाश और महिमा से भरना चाहते हो, सामर्थ्य से भरना चाहते हो तो हर रोज प्रार्थना करो, हर रोज प्रार्थना करो। अगर आपके साथ कोई नहीं है प्रार्थना करने वाला, एकांत में करो। एकांत में करने की आदत नहीं है तो हर रोज 8 बजे, 8 से 9 बजे तक यहाँ पे प्रार्थना होगी यूट्यूब पे, आओ जुड़ो, लेकिन प्रार्थना करो। जिस तरह हमें खाने की जरूरत होती है हर दिन, जो खाना हम खाते हैं जिससे हमें ताकत आती है, उसी तरह हमारे आत्मा के लिए भी हमें प्रार्थना करने की बहुत जरूरत है। जितना आप खुदा से जुड़े रहोगे उतना खुदा के द्वारा सामर्थ आप में आते रहेगा, सामर्थ आते रहेगा, और उस सामर्थ से आप ऐसे ऐसे कार्य करोगे, ऐसे ऐसे कार्य करोगे, ऐसे ऐसे काम करोगे जिसकी गवाही दुनिया वाले देंगे। जो परमेश्वर को ठट्टा मस्करी में उड़ाते वो भी परमेश्वर की जय जयकार करने लगेंगे। आमीन। सामर्थ्य भरना है, प्रार्थना करो, और प्रार्थना करना जरूरी है। प्रार्थना में सामर्थ्य कैसा आता है समझ जाओ। एक लो मैग्नेट, मैग्नेट इंग्लिश में और हिंदी में से चुंबक कहते हैं, चुंबक, हाँ चुंबक, मैग्नेट है ना, चुंबक, चुंबक को पे या फिर लोहे पे चुंबक, दोनों एक ही बात है।
चुंबक पे एक लोहा लो और चिपका दो, और कुछ देर तक, कुछ घंटों तक या कुछ दिनों तक ऐसे चिपके रहने दो उसे, तो देखना जो चुंबक में पावर थी ना वो इस लोहे में भी आ जाती है, जो भी लोहा आप चिपकाए। विश्वास नहीं है तो करके देख लो, वो पावर इसमें आ जाती है, इस लोहे में। उसी तरह जितना हम परमेश्वर से चिपके रहेंगे, उससे जुड़े रहेंगे, हमें आते रहेंगे, पावर आते रहेंगे, और उस पावर से हम बहुत बड़े बड़े काम करेंगे। यीशु मसीह ने कहीं भी ऐसा कोई दिन नहीं है कि प्रार्थना नहीं किया है। जब जब उसे लगा प्रार्थना करने की जरूरत है, तब तब वो जाकर पहाड़ों पर, जंगलों पर प्रार्थना की है यीशु मसीह ने। वो खुदा होके प्रार्थना कर सकता है, हम मनुष्य होके प्रार्थना नहीं कर रहे। हम लगे हैं, समझ रहे हो भाइयों बहनों, इसका मतलब समझ रहे हो, रील्स, टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह लगे हुए हैं, लेकिन प्रार्थना करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं। था मैं भी, मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं आपके जैसा नहीं था, था पर अब नहीं हूं। अब मैं सिर्फ खुदा का काम कर रहा हूं, क्योंकि जब तक मैं उसमें था, बुरी बातों में था, बुरी आदतों में था, मुझे शांति नहीं थी, अशांति से मेरा जीवन भरा था, टेंशन से मेरा जीवन भरा था, प्रॉब्लम से मेरा जीवन भरा था। गलती करने पर शिक्षाएं मिलती थी, मुझे बहुत बड़ी शिक्षा मिली है मेरी गलती की वजह से, लेकिन जब खुदा का एक कनेक्शन मेरे साथ हुआ ना, मैंने सब छोड़ दिया और मैंने कहा, प्रभु जब तक मैं जीऊंगा तेरे साथ जीऊंगा, और जब मैं मरूंगा तो तेरे पास आऊंगा। अभी भी समय है, जो भी बुरे काम, गंदे काम जो भी आप करते हो उसे छोड़ने का। प्रार्थना हमारे जिंदगी में बहुत जरूरी है, अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो हम जी नहीं पाएंगे। एक भाई आया, वो भाई मुझसे बोल रहा है कि ब्रदर मैं बहुत कोशिश करता हूं परमेश्वर में बढ़ने की, जब मैं परमेश्वर में बढ़ता हूं तो मेरे पास बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, और जब मैं परमेश्वर में नहीं रहता हूं तब मेरे पास प्रॉब्लम्स नहीं आते। मैंने उससे कहा, बैठे बातचीत किया, वो भाई जो है वो तेलुगु भाई है, और मैं तेलुगु भी परमेश्वर ने मुझे सिखाया है, तो काउंसलिंग करते हैं, पर काउंसलिंग की मैंने और उसे बोला, क्यों जब तुम परमेश्वर में आते हो तो तुम्हारे ऊपर प्रॉब्लम्स आती है, कभी ये सोचा है? भाई ने बोला नहीं। और क्यों जब तुम परमेश्वर में नहीं रहते हो तब तुम्हारे ऊपर प्रॉब्लम्स नहीं आती? भाई ने बोला, वो भी नहीं पता, क्योंकि पहले से ही तुम उसके राज्य में हो, किसके? शैतान के, शैतान के बंधन में हो, तो उसे क्या जरूरत है तुम्हें डिस्टर्ब करने की? जो परमेश्वर में पढ़ रहा है उसे वो डिस्टर्ब करेगा, उसे वो प्रॉब्लम देगा। क्यों? क्योंकि शैतान जानता है अगर ये परमेश्वर में बढ़ गया तो यही कल के दिन मुझे लाफे मारेगा, जूते मारेगा। आमीन। प्रार्थना करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, प्रार्थना नहीं करते तो प्रार्थना करो, नहीं आती तो शुरुआत करो। जब हम पढ़ाई करके, कॉलेज खत्म करके किसी जॉब पर जाते हैं तो जॉब के पास हमारे सामने कंप्यूटर है, कुछ भी काम हो, शुरुआत में हमें नहीं आता है।
जब धीरे धीरे हम करते हैं उसे, पकड़ते हैं जो भी काम हो उस काम को हाथ में लेते, तो धीरे 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 हम उस काम में एक्सपर्ट बन जाते हैं। उसी तरह बाइबल पढ़ते हो, नहीं समझ रहा है, प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको सिखाएगा। किसी की हेल्प लो, आपके पास्टर की हेल्प लो, किसी बहन बहन है तो बहन बहन की हेल्प लीजिए, भाई भाई है तो भाई भाई की हेल्प लीजिए, लेकिन परमेश्वर में पढ़िए। परमेश्वर कहता है पके खेत है, मजदूर नहीं, मजदूर चाहिए परमेश्वर को। और एक बात मैं आपको कहता हूं, यीशु मसीह पहले पापियों के लिए आया, लेकिन अब जो आएगा ना, बहुत दिन बहुत नजदीक है, वो धर्मियों के लिए आएगा। और धर्मी बनना बहुत कठिन है ऐसा नहीं है, बहुत आसान है धर्मी बनना, बहुत आसान है धर्मी बनना। अगर आप शुरुआत करोगे ना, परमेश्वर आपको हेल्प करेगा, पवित्र आत्मा आपको हेल्प करेगा धर्मी बनने। पापी बने रहोगे तो यीशु मसीह आपको नहीं ले जाएगा, और सिर्फ धर्मियों को लेने आएगा। प्रार्थना करते रहो, परमेश्वर में आगे बढ़ते रहो। प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। मैं बहुत बहुत लंबा स्पीच कर सकता हूँ, लेकिन ये जो समय है 8 से 9 बजे तक का ही है, तो जितना समय मेरे पास है उतना ही मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको अच्छे से सुनना है तो मेरे चर्च आप आ सकते हो, अगर आप हैदराबाद में रहते हो। मुझे बहुत दुख होता है भाई बहन को देख के चर्चेस में भी, क्या बताओ, आपको बोलना नहीं चाहते। मूर्खता मत बनो, मूर्खता मत करो, मूर्ख मत बनो, मूर्खता मत करो। परमेश्वर को जानते तो उसके पीछे चलो। बेनीहिन, पता है आपको बेनीहिन पास्टर जी, सेवक है जो बहुत बड़े हैं, एक बार वो इंडिया में भी आए थे मुंबई में। बेनीहिन नहीं पता तो सर्च कर लेना, उनकी एक गर्लफ्रेंड थी, प्रभु ने उनसे कहा अगर तू मुझ में बढ़ना चाहता है तो तुझे इसे छोड़ना होगा। उन्होंने सोचा, और जिसे प्रभु छोड़ने के लिए कह रहा था उससे वो बहुत प्यार करते थे, लेकिन उन्होंने उसे छोड़ दिया, उसे समझाया और छोड़ दिया। इसीलिए आज वो बेनीहिन है, इसीलिए आज वो परमेश्वर के सेवक है। इतना बड़ा नाम है, परमेश्वर ने उन्हें बहुताई से आगे बढ़ाया, पूरे जगत में पूरे विश्व में उनका नाम है। आज परमेश्वर की कॉलिंग को उन्होंने सुना। कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर आपसे डायरेक्ट बात नहीं करता है, आपके पासवान, आपके पास्टर द्वारा भी बात करता है। इसे जानना बहुत जरूरी है। और किसी से भी परमेश्वर नहीं बात कर सकता, क्योंकि जब बात करने का समय था तब आदम और हवा ने उसे गवा दिया। जब आदम को परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया, हवा को फसली से बनाया, तब परमेश्वर उनसे हर रोज हर समय शाम के समय उनसे भेंट करने आता था, उनसे मुलाकात करने आता था। और ऐसी वैसी मुलाकात नहीं, वो दोनों सामने परमेश्वर इधर, परमेश्वर को देख सकते थे ऐसी मुलाकात। और जैसे ही हवा द्वारा आदम ने पाप किया, दोनों ने पाप किया, परमेश्वर की बातों को नहीं सुना, वो मुलाकात दूर हो गई। फिर भी परमेश्वर ने हम पर दया दिखाई और अपना पुत्र को भेजा, यीशु मसीह को भेजा, जा वो मेरे पुत्र है, को मेरी ओर ले आ। आमीन, हालेलुया। प्रभु हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए उन्होंने यीशु मसीह को हमारे पास भेजा। ये जिंदगी 50 साल की है मेरे भाइयों, मेरी बहनों। पहले के 400-450 साल हम नहीं जी पाते, 800-850 साल तक जिया है, बाइबल में गवाही है,
बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, बाइबल करो, प्रार्थना करो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जॉब मत करो, आप अपने आप को अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन से समय हमारे पास समय टाइम रहता है, लेकिन हम उस टाइम को, वक्त को बर्बाद कर देते हैं किसी ना किसी चीज़ में, फ़ोन में हो या किसी ना किसी चीज़ में, कहीं जाना हो या आना हो। 24 घंटे हैं, 24 घंटे में एक घंटा परमेश्वर को नहीं दे सकते, प्रार्थना नहीं कर सकते परमेश्वर के पास, नहीं हो रहा है तो प्रार्थना करो, सीखो, मेहनत करो। मेहनत करो कहने के लिए तो बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन समय हो चुका है 5-10 मिनट, शायद एक्स्ट्रा भी हो चुका है। प्रार्थना करो, प्रभु से कहो, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा, परमेश्वर आपको प्रार्थना करना सिखा, जिस तरह चेलों को सिखाया। क्या सिखाया? चेलों को प्रार्थना करना, सुनो लिखा है, वो किसी जगह प्रार्थना कर रहा था, जब वो प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उनसे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा। किसने प्रार्थना करना सिखाया? यूहन्ना ने। किसको सिखाया? अपने चेलों को। आपको नहीं आती, मदद लीजिए, सिखाने वाले हैं, और पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा, कोई नहीं सिखाएगा तुम्हें। आमीन। देखिए, यीशु मसीह ने प्रार्थना सिखाई, उसने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमारी दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर, और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न ला। परमेश्वर आपको भी सिखाए। मिलते हैं हम कल फिर इसी समय। आज के लिए परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। मेरी कही हुई बातों पर आप ध्यान दें, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करें अपनी फैमिली के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के उन सेवकों के लिए जो पूरी दुनिया में, विश्व में कार्य कर रहे, काम कर रहे परमेश्वर का, और हमारी कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, मेरे चर्च के लिए भी आप प्रार्थना करें, मेरे फैमिली के लिए, मेरे वाइफ के लिए, मेरे बच्चे के लिए, सभी के लिए आप प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं, और इस समय परमेश्वर के नाम परमेश्वर को समर्पित करें। प्रभु, धन्यवाद देते हैं इस समय जो भी आपने हमें सिखाया, हमारी प्रार्थनाओं को सुना, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हमने आपके वचनों को सुना, हम वचनों पर सुनने वाले नहीं, उसको करने वाले बने, आपके वचनों पर चलने वाले बने, ऐसी ज्ञान बुद्धि सामर्थ्य हमें भरिए, आपकी पवित्र आत्मा द्वारा हमें सिखाइए परमेश्वर। जिस तरह आपने चेलों को सिखाया, उसी तरह हमें भी सिखाइए परमेश्वर। हर एक वचनों के भेद को सीखना हम आपसे चाहते हैं परमेश्वर। हमारे पास समय नहीं है, ऐसा नहीं है परमेश्वर। परमेश्वर, हम आज तक समय नहीं दे रहे थे, लेकिन आज के बाद हम समय देंगे। धन्यवाद देते हैं राज, धन्यवाद देते हैं, सारी आदर मैं माफ कर देते हैं। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमेन। सभी को जय मसीह की।